इस बार गति परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा 6 रन, रनों की मूसलाधार बारिश यहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। देव अपनी स्पेल का दूसरा अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर, पहली गेंद काफी तेज गेंदबाजी कराने की कोशिश यहां पर, अभी भी 29 गेंदों के ऊपर 72 रन। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक सीधे सीमा रेखा पार, ड्रू के बल्ले से निकलने वाला एक और सिक्सर, चेयर अप द 50, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, लीला फॉर लायंस के 51 रन। काफी अच्छी वापसी मानी जाएगी देव के द्वारा, स्कोर रुका हुआ 51 रन, जीत के लिए 117 रनों का लक्ष्य मिला है। हल्के रनों से खेला है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, सिंगल से काम चलाना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 52, पारी का ये चौथा ओवर जारी है। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर,
प्लस मैक्सिमम देव का बल्ला जो कि आज आग उगल रहा है, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, पारी का ये चौथा ओवर जारी है। अभी भी ये मुकाबला जीत के लिए 25 गेंदों के ऊपर 59। एक बार फिर से गेंद हवा में, यस अनदर मैक्सिमम रनों की मूसलाधार बारिश। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, चार ओवर की समाप्ति पर 64 रन, 24 गेंदों के ऊपर 53। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब कमेंट्री बॉक्स एंड से विकेन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 24 गेंदों के ऊपर 53। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे, स्ट्राइक को रोटेट कर दी। ध्रुव जो कि किसी कमजोर गेंद मिलती है बड़ा प्रहार करते हैं, अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल लेते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ 65। इस बार निशा से भटके वाइड करार, स्कोर बढ़ता हुआ 66। इस बार गेंद हवा में, ये कैच होना चाहिए था, ये कैच होना चाहिए था, अंपायर का इशारा चार रन। स्कोर बढ़ता हुआ 70। इस बार देव जिन्होंने अपने 50 रन पूरे कर लिए, देव जिन्होंने अपने 50 रन, 15 गेंदों के ऊपर 53। इस बार बड़ी सफलता, बड़ी सफलता, देव को पहले लौटना होगा, बड़ा झटका। लीलापुर लायंस को लगने वाला ये दूसरा झटका,
76. नए बल्लेबाज के रूप में जय बीस गेंदों के ऊपर 41। अभी भी ये मुकाबला जीता जा सकता है। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी वीकेंड के द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी। बारह बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा था विकेट कीपर जिन्होंने। गेंद गिरने की, ओवर की समाप्ति हुई, पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 77। इस बार देव जिन्होंने अपने 50 रन पूरे कर लिए, 18 गेंदों के ऊपर 40 रन, 18 गेंदों के ऊपर 40 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए सिंगल से काम चलाना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 78, 17 गेंदों के ऊपर 39 रन। इस बार नो बॉल, नो बॉल और
चार रन, नो बॉल और चार रन, सोने के ऊपर सुहागा। दस गेंदों के ऊपर 23 रनों की जरूरत। अब फ्री हिट, फ्री हिट, इस बार गेंद हवा में, कनेक्शन बिल्कुल सही, यस अंपायर का इशारा से रन। अब 9 गेंदों के ऊपर 17 रन। सत्रह गेंदों के ऊपर 36 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं ध्रुव। बाहर जो कि पलटी, शो खेलने की कोशिश से गलत डिसीजन, लेग बाय का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 101, 8 गेंदों के ऊपर 16 रन, 8 गेंदों के ऊपर 16 रनों की जरूरत। आने वाली 2 गेंद बहुत ही निर्णायक गेंद हो सकती है। इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर प्रथम जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये तीसरा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में निहिर, 7 गेंद और 16 रन। ये गेंद बहुत ही निर्णायक गेंद, इस गेंद के ऊपर एक बाउंड्री स्कोर आना जरूरी। एक बार फिर से नो बॉल और गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, यस नो बॉल और चार रन। अब ये गेंदबाज इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे, 2 बीमर फेंक चुके हैं, 2 बीमर फेंक चुके हैं। अब यहां से नया गेंदबाज, स्कोर है 106, 7 गेंद और 11 रन। हर्ष, और इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, सिंगल से काम चलाना होगा। अब 6 गेंद और 10 रन, पारी का आखिरी ओवर, देखना यहां पर कप्तान किसके ऊपर भरोसा दिखाते हैं।
इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में से गेंद जा रही है सीमा रेखा की और यह एम्पायर का इशारा 4 रन। अब 3 गेंद और 6 रन। ध्रुव जो कि 45 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, हल्के रनों से खेला है पहला रन काफी तेजी से भागते हुए। रन आउट। दो गेंद और 5 रन। नए बल्लेबाज के रूप में यस, 2 गेंद और 5 रन। यस अगर ये मुकाबला जीता पाते हैं, गेंदबाज वाले यस अगर ये मुकाबला जीता पाते हैं तो 1,000 रुपये का इनाम। 2 गेंद और 5 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन। टाई होता है तो सुपर ओवर। ये गेंद बहुत निर्णायक, 1 गेंद और 5 रन। इस तरह से ये मुकाबला यहां पर डॉन जा 11 ने जिन्होंने जीत लिया है सिर्फ 4 रनों से। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉन जा 11। इस मैच के मैन ऑफ द मैच देव पटेल इज ए मैन ऑफ द मैच।
बॉल चारों से खेल लिया है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, पहला रन काफी यूज चुका लिया, इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, पारी का ये दूसरा ओवर जारी है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जीत के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, स्कोर रुका हुआ 5 रन, पारी का ये दूसरा ओवर जारी है। इस बार गति परिवर्तन करने की कोशिश, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर, से खेल लिया है, खूबसूरत स्ट्रोक, अंपायर का इशारा 4 रन, यस प्रथम के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 9 रन। साहिल आए हैं, स्कोर डबल अंक मोहन तबुदासन, पारी का ये तीसरा ओवर जारी है, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर रॉयल चैलेंज बोस्टन के द्वारा, इस टूर्नामेंट में जो चमचमाती हुई ट्रॉफी जो रखी है उनके स्पॉन्सर्स है रॉयल चैलेंज बोस्टन, जबकि टी शर्ट के स्पॉन्सर्स अटलांटा परमवीर। इस बार कुछ आवाज, यस यहां पर विकेट कीपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला यह पहला झटका, प्रथम आउट होगा पवेलियन, विकेट के पीछे शिवम खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी को ₹1,000 नकद पुरस्कार जो कि मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल लीलापुर की ओर से, वन डाउन बल्लेबाज के रूप में वीकेंड का आगमन हुआ है, पारी का यह तीसरा ओवर जारी है, स्कोर है 10 रन, काफी नाजुक शुरुआत यहां पर, बार जो कि हल्की से इन स्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर साहिल के द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, स्कोर रुका हुआ 10 रन, पारी का ये तीसरा ओवर जारी है, अजमेर गेंद हुआ है, फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये बड़ा विकेट यहां पर, बड़ी मछली जाल में फंसी, विकेंड जो कि बिना कोई रन बनाए पवेलियन, फील्डर का नाम बताए प्लीज, विनीत, स्कोर है 10 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, काफी अच्छी शुरुआत यहां पर रॉयल चैलेंज बोस्टन के द्वारा, टॉस जीता था श्रीजी डोंजा 11 जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, स्कोर है 10 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, अब नए बल्लेबाज के रूप में खुद कप्तान देव, पिछले मैच में एक तूफानी पारी खेली थी, 50 रन बनाए थे और मैंने अपने मैच का खिताब भी पाया था,
काफी अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी रॉयल चैलेंज बॉस्टन जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी दबाव बना के रखा हुआ है डोनजा 11 के पास। इस बार सीधी ब्लॉक होल में राइट इंडिडो ब्लॉक होल हल्के हाथों से खेला है इन एक रन के साथ, अब स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। डैनी लाइन है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, मेरे ख्याल से मान आउट है फील्डर। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। गेंद हवा में, गेंद हवा में, लेकिन पहले बाउंस के बाद लॉन्ग ऑफ के फील्डर जिन्होंने फील्ड की एक रन के साथ, देव जिन्होंने अपना काउंट की शुरुआत की। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, पारी का ये चौथा ओवर जारी है। फुलटॉस गेंद थी लेकिन बल्लेबाज का नाम बताए प्लीज, हर्ष चणवाई। इस बार घूमकर खेल लिया है, देखना वहां पर राज काफी चौकन ने, वहां पर सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर रॉयल चैलेंज बॉस्टन के द्वारा, का ये चौथा ओवर जारी है। स्कोर है 14 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई, चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 14 रन, अब एंड चेंज होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, खुद कप्तान प्रीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे देव। स्कोर बढ़ता हुआ 21, हमारी का ये पांचवा ओवर जारी है। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर रॉयल चैलेंज बॉस्टन के द्वारा, ठीक है कमेंट्री बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो कि शिवम फील्डिंग कर रहे हैं। कुछ अपील जरूर हुई थी देखना वहां पर, लेकिन अंपायर नीलेश
हेलो टेस्ट से मस्त नहीं हुए। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, तारीफे काबिल गेंदबाजी प्रीत के द्वारा। पारी का ये पांचवा ओवर जारी है, स्कोर है 21। और इस बार बड़ी सफलता, बड़ी सफलता। मैंने पहले ही बताया था जब भी प्रीत गेंदबाजी करने आते हैं एक विकेट तो जरूर निकालते हैं, और ये प्राइस विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में यस, पिछले मैच में एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, 6 गेंदों के ऊपर 10 रन नहीं बनाने दिए थे। पहली गेंद सीधी ब्लॉक होल में, सीधी ब्लॉक होल में, यस आउट यहां पर, आउट यहां पर, लेग बिफोर आउट। लगने वाला ये पांचवा झटका, काफी नाजुक परिस्थितियों से गुजर रही है यहां पर डॉन जा 11। नए बल्लेबाज के रूप में डोमियो, भाई डोमियो क्या, यस डोमियो प्रीत के लिए ये गेंद गोल्डन गेंद हो सकती है अपने हैट्रिक की ओर। गोल्डन गेंद, और इस बार हैट्रिक, हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज डोमियो आउट। लगने वाला ये छठा झटका, पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 21 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, काफी नाजुक परिस्थितियों से गुजर रही है यहां पर डॉन जाए 11। बल्लेबाज का नाम बताए प्लीज, नए बल्लेबाज के रूप में सूरज। इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज प्रीत जिन्होंने हैट्रिक का श्रेय प्राप्त किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, तारीफ है काबिल गेंदबाजी। बार जो कि जीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए वाइट करार, स्कोर बढ़ता हुआ 22, 22 रन। इस बार जो कि बहुत ही खूबसूरत गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, मानव के लिए लंबा चेस, यस अंपायर का इशारा 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन।
सूरज के लिए इनाम रखा है। अगर तीन सिक्सर लगाते हैं तो माहिन भाई की ओर से 1,000 रुपए का इनाम। हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी जीत के द्वारा। पारी का ये छठा ओवर जारी है, स्कोर है 26 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। इस बार जो कि एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मानव के लिए लंबा चेस, गेंद सीमा रेखा पार, हर्ष के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 30-30। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, यहां पर डीप पॉइंट के फील्डर को हटाकर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खुद मानव है वहां पर। इस बार गति परिवर्तन करने की कोशिश, काफी अच्छी वापसी यहां पर जीत के द्वारा। क्लीन बॉल, क्लीन बॉल। बल्लेबाज का नाम राज, 30 रन स्कोर है और 7 झटके लग चुके हैं। जीत एक बार फिर से सामना करेंगे राज। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर जिन्होंने एक छलांग जरूर लगाई थी। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 30 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। राज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो किशोर भाई की ओर से 5,000 रुपए का इनाम। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अगर साहिल विकेट लेते हैं तो 1,000 रुपए का इनाम। पहली गेंद वाइड करार, वाइड करार। साहिल अगर विकेट लेते हैं तो 1,000 रुपए का इनाम किशोर भाई की ओर से। और इस बार गेंद हवा में लेकिन गेंद जा रही है, देखना वहां पर अंपायर का इशारा। यस, पहले बाउंस के बाद सीमा रेखा पार, सूरज के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर जारी है। एक बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर सिर्फ दर्शक। यस, यहां पर पहला सिक्सर जड़ चुके हैं सूरज, जिन्होंने पहला सिक्सर जड़ चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 41, 3 सिक्सर के ऊपर 1,000 रुपए का इनाम है माहिन भाई की ओर से। काफी अच्छी वापसी, काफी अच्छी वापसी, ये गेंदबाजी होनी चाहिए डेढ़ ओवर में, ये गेंदबाजी बिल्कुल सही चाहिए गेंदबाजी। पाटीदार प्रीमियर लीग अंडर 21 सीजन 2 का ये क्वालिफायर नंबर 2 जारी है। पहला क्वालिफायर जो कि अटलांटा परमवीर जिन्होंने जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था। ऑस्बर गेंद में शिवम, लेकिन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 47, साहिल जो कि यहां पर महंगे साबित हो रहे हैं।
मानव जो कि यहां पर कुछ गुरु मंत्र देते हुए अपने गेंदबाज को, इस बार देखना वहां पर कुछ आवाज आई, अंपायर ने आउट करार दे दिया। लगने वाला ही आठवां झटका। यह साहिल के ऊपर इनाम था, विकेट के ऊपर 1000 रुपया किशोर भाई की ओर से, जबकि पहला विकेट जड़ चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में यस, सेवन रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारिका। ये 7वां ओवर जारी है। ओवर की समाप्ति हुई, 60 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 47 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का आखिरी ओवर, डेनियल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, शिवम है फील्डर, काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है। बार काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। और इस बार जो कि विकेट कीपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये 9वां झटका आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। आखिरी जोड़ी, एक उभरता हुआ नन्ना सा खिलाड़ी, इसकी हाइट देखे तो स्टंप से थोड़ी ऊपर है। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। स्कोर रुका हुआ 48 रन। पारी का ये आखिरी ओवर जारी है। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी।
को। हल्के ओवर से खेल दिया है, देखना वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं, काफी अच्छी गेंदबाजी यस के द्वारा। इस बार हल्के ओवर से खेल दिया है, मिड ऑफ के ऊपर हर्ष थे, फील्डर एक रन से नहीं रोक सकेंगे। ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 3 रन। गेंदबाजी करने के लिए विकेट, विकेट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे जीत। पहली गेंद जो कि घूमकर खेल लिया है, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ। अब स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, पारी का ये दूसरा ओवर जारी है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का ये आखिरी ओवर है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे यहां पर आरसीबी को। इस बार बल्ले के बाहर होने की नारा, यस है फील्डर, शॉट थर्ड मैन के ऊपर, एक रन से नहीं रोक सकेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और इस बार घूमकर खेल लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, अंपायर का इशारा, यस चौका, अंपायर की ओर से 4 रन का इशारा, जीत के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। हल्के ओवर से खेल लिया है, खिलाड़ी तैनात है, हल्का सा फंबल, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 10, डबल अंकों में पहुंचता हुआ, पारी का ये दूसरा ओवर जारी है। एक बार फिर से पॉइंट के दिशा में से खेल लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, यह संपर्क का इशारा, 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, काफी अच्छी शुरुआत यहां पर रॉयल चैलेंज बॉस्टन के द्वारा। डेनियल के बल्ले से निकलने वाला एक खूबसूरत चौका, बार गति परिवर्तन करने की कोशिश, काफी अच्छी गेंदबाजी विकेट के द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 14 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन। देव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, देव खुद टीम के कप्तान। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का समय समाप्त हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का समय समाप्त हो चुका है, जीत के लिए 50 रनों का लक्ष्य मिला है यहां पर रॉयल चैलेंज बॉस्टन, जिनको ये मुकाबला जीतने के लिए क्वालिफायर नंबर 2।
पहली गेंद पटकी हुई, गेंद गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, पारी का ये तीसरा ओवर जारी है, काफी अच्छी शुरुआत यहां पर। फुलटॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, अब फ्री हिट। फ्री हिट, इस बार घूम कर खेल लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, लेकिन खिलाड़ी तैनात है वहां पर, डोमिनेट फील्डर, सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, पारी का ये तीसरा ओवर जारी है। इस बार घूमकर खेल लिया है, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं, जीत के लिए 50 रनों का लक्ष्य मिला है। देव जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार सीधे बल्ले से खेल लिया है हर्ष फील्डर, पहले बाउंस के बाद फील्डर जिन्होंने फील्ड की, सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 18 इस बार पटकी हुई गेंद तो फटका जरूर खाओगे, यह संपर्क इशारा 6 रन, पहला मैक्सिमम, इन 6 रनों के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 24। हाथों से खेल लिया है, पॉइंट के ऊपर युग थे खड़े, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 25 रन। प्रथम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद बल्ले का बाहर होने के किनारे, यस को यहां पर गेंद चकमा डेटी हुई, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 29। इस बार टॉप शॉट, यस यहां पर मैक्सिमम, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, स्कोर बढ़ता हुआ 35। बाहर घटी परिवर्तन करने की कोशिश, पहला रन काफी तेजी से भागते हुए, सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, जीत के लिए 14 रनों की जरूरत, रॉयल चैलेंज बॉस्टन को यह मुकाबला जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। इस
स्मारी दिशा से बट के वाइड करार, वाइड करार। स्मारियों के बड़े हिट की कोशिश लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। फिलहाल एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा सूरत फील्डर। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, अब 12 रनों की जरूरत। गेंद हवा में, गेंद हवा में, फील्डर सिर्फ देखना वहां पर पहले बाउंस के बाद जो कि गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 42, 25 गेंदों के ऊपर। इस बार बल्ले के बाहर होने किनारा, एक बार फिर से यश के लिए कोई भी मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा पार। काफी खराब फील्डिंग वहां पर यश के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 46 रन। मैनेजर जो कि सागर काफी नाराज है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था बिल्कुल गलत साबित हुआ था। मेरे ख्याल से वो फैसला सागर का था, बिल्कुल गलत। जो कि सागर भाई नौजा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं, एक मजबूत ऑलराउंडर। यस यहां पर मेरे साथी डीवीएस भाई बता रहे हैं संजय फार्म में एक तूफानी पारी खेली थी हेमंत भाई वांझड़ा के सामने। यस यहां पर ये मुकाबला जो कि रॉयल
विनती करता हूं आइवा
मेगा फाइनल का आगाज हो चुका है। अटलांटा परमवीर और रॉयल चैलेंज बॉस्टन ग्रुप, जो कि आरसीबी रॉयल चैलेंज बॉस्टन, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। निर्धारित 8 ओवर का मुकाबला रहेगा। यहां पर जो चमचमाती हुई ट्रॉफी रखी है उनके स्पॉन्सर्स है रॉयल चैलेंज बॉस्टन, जबकि टी शर्ट के स्पॉन्सर्स है अटलांटा परमवीर। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, काफी अच्छी शुरुआत यहां पर। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, यस अंपायर का इशारा छह रन, अंपायर का इशारा छह रन, ऋषि के बल्ले से निकलने वाला यह पहला सिक्सर। 6 रनों के साथ यहां पर अटलांटा परमवीर, जिन्होंने अपने काउंट की शुरुआत की। मेगा फाइनल का यह पहला सिक्सर, हर सिक्सर के ऊपर अटलांटा परमवीर के ओनर जयेश भाई बोडलाई की ओर से 500 रुपया, हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपये का इनाम है। वाइड करार, वाइड करार, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। काफी तेज हवा चलती हुई ग्राउंड के ऊपर। एक बार फिर हल्के हाथों से खेल लिया है, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन 1 रन के साथ। अब स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन का ये पहला ओवर जारी है। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर अटलांटा परमवीर की ओर से। हल्के हाथों से खेल दिया है, देखना हुआ ओवर, खिलाड़ी नाटे, लेकिन हल्का सा फंबल 1 रन के साथ। धर्मेंद्र जिन्होंने अपने काम की शुरुआत की, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का ये पहला ओवर जारी है। और इस बार जो कि खूबसूरत तो काफी अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार, ऋषि के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। काफी तेज शुरुआत यहां पर। इस बार जो कि हल्के हाथों से खेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 15 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन। गेंदबाजी करने के लिए जीत, फुलटोस गेंद थी, वैसे कहा जाता है फुलटोस गेंद सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। पॉइंट के ऊपर राज खड़े थे, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। काफी अच्छी शुरुआत अटलांटा परमवीर की ओर से। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लिया था, लेकिन हल्का सा फंबल, हल्का सा फंबल।
37 रन, काफी तेज शुरुआत यहां पर अटलांटा परमवीर की ओर से। गेंदबाजी करने के लिए डैनियल, बूट वाले छोट से गेंदबाजी का बार डैनियल आए हैं। धर्मेंद्र जो कि उल्टोस गेंद, गेंद हवा में, यस अंपायर का इशारा मैक्सिमम, अंपायर का इशारा मैक्सिमम। स्कोर बढ़ता हुआ 50, और इस बार बहुत ही चालाक चतुराई लोमड़ी वाला स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा गेयर पे, हेलर रन काफी तेजी से बैक हुए, निश्चित रूप से दो रन बचाए इन दो रनों के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। पारी का ये चौथा ओवर जारी है, निशा से बटके वाइड करार, वाइड करार, स्कोर बढ़ता हुआ 53। काफी तेज शुरुआत यहां पर अटलांटा परमवीर की ओर से।
ब्रेक थ्रू करवा रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज का नाम बताए प्लीज। अभी नए बल्लेबाज के रूप में अभी का आगमन हुआ है प्रिंस, जो कि दो सिक्सर लगाकर अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। इस बार निशा से बटके वाइड करार, वाइड करार, स्कोर बढ़ता हुआ 54। प्रीत जो कि एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट लिए थे। इस बार हल्के हाथों से खेल लिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मानव है फील्डर। वैसे कहा जाता है मानव के हाथों से दो रन चुराना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चतुर और चुस्त फील्डर और बहुत ही अनुभवी। स्कोर है 55 रन, पारी का ये पांचवा ओवर जारी है। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी प्रीत के द्वारा। स्कोर रुका हुआ 55 रन, तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये चौथा झटका, अभी आउट होकर पवेलियन, बिना कोई खाता खोले पवेलियन। को मिलने वाली ये एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, स्कोर बढ़ता हुआ 57।
काफी अच्छी गेंदबाजी, हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तारीफ ही काबिल गेंदबाजी। इस बार जो कि हल्के हाथों से खेल लिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, मानव थे फील्डर। वैसे कहा जाता है मानव के हाथ से दो रन चुराना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चुस्त और चतुर फील्डर। स्कोर है 58 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, तारीफ है काबिल गेंदबाजी। एक बार फिर से घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। स्कोर है 58, पारी का ये छठा ओवर जारी है। और इस बार कनेक्शन सही, बिल्कुल कनेक्शन सही, यहां पर का इशारा से रन, रोहन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ 64। इस बार गेंद हवा में लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, लंबा चेस रहेगा फील्डर के लिए, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। अंपायर का इशारा चार रन, अंपायर का इशारा चार रन। स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पटकी हुई, अगर पटकी हुई गेंद करोगे तो फटका जरूर खाओगे। यस, रोहन के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा सिक्सर। स्कोर है 74 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रिंस जो कि 10 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाकर 23 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी वापसी मानी जाएगी। स्कोर रुका हुआ 74 रन। खेला है सिर्फ एक रन से संतोष करना पड़ेगा। विनीत जो कि डीप मिड विकेट की दिशा में तैनात है,
स्कोर बढ़ता हुआ 75। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी वापसी वहां मान जीत के द्वारा। साहिल है गेंदबाज, स्कोर है 75 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 60वां ओवर जारी है। एक बार फिर से घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। काफी अच्छी गेंदबाजी, 60 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 75 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंपायर का इशारा 6 रन, प्रिंस के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा सिक्सर, स्कोर बढ़ता हुआ 81। इस बार घूमकर खेल लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और लंबा चेस वहां पर। यस अंपायर का इशारा 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 85। प्रिंस जो कि 14 गेंदों के ऊपर 34 रन, 4 छक्के और एक चौका। इस बार इनसाइड आउट, मानव हो फील्डर, ओ कैच छूटा, कैच छूटा और 4 रन। मानव से ये उम्मीद नहीं थी, ये मेगा फाइनल का प्रेशर यहां पर।
रह गए। जीत के लिए 108 मेगा फाइनल जीतने के लिए 108 रनों का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य बहुत ही बड़ा है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हॉस्मर गेंद हवा, फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये पहला झटका, जीत आउट होगा पवेलियन। रॉयल चैलेंज बॉस्टन को लगने वाला ये पहला झटका। पैर संभाल के अंकल, मैं गूगल पे कर दूं ना? लो वन डाउन बल्लेबाज के रूप में साहिल का आगमन हुआ है। काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। हल्का से खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और यस यहां पर पहला चौका डैनियल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। इन चार रनों के साथ रॉयल चैलेंज बॉस्टन जिन्होंने अपने काउंट की शुरुआत की। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया है, हल्का सा फंबल जरूर हुआ है। प्रिंस है फील्डर, सिर्फ सिंगल से काम चलाना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 5 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर अटलांटा परमवीर की ओर से। एक बार फिर से गेंद हवा में और इस बार गेंद छूटा। एक समय ऐसा लगा था कि कैच लपक लिया है लेकिन 4-5 अटेम्प्ट हुआ उसके बाद कैच ड्रॉप हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। पारी का ये दूसरा ओवर जारी है।
बार एडिशा से बट के वाइड करार स्कोर बढ़ता हुआ 13-13 रन पारी का ये दूसरा ओवर जारी है। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अंपायर का इशारा 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। इस बार काफी अच्छी वापसी स्कोर रुका हुआ 17 रन। इस बार दर्शनीय कैच एक हाथ से कैच ले लिया लगने वाला ये दूसरा झटका सी विकेट के पीछे खड़े थे। प्रीत खुद टीम के कप्तान जो कि बल्ले के बाहर होने की नारा देखना वहां पर शॉट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी तैनात रन की कोई गुंजाइश नहीं। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का समय समाप्त हो चुका है। चैंपियन होने वाली टीम को 21,000 रुपया नकद और चमचमाती हुई ट्रॉफी जबकि रनर्स अप होने वाली टीम को 11,000 रुपया और चमचमाती हुई ट्रॉफी इनाम के रूप में दी जाएगी। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट फील्डर सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वो ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स है रॉयल चैलेंज बॉस्टन जबकि टी शर्ट के स्पॉन्सर्स है अटलांटा परमवीर जो कि दोनों टीम यहां पर मेगा फाइनल खेल रही हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। रोहन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद काफी अच्छी बिंदी गेंद के ऊपर हर बिंदी गेंद के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा। स्कोर है रुका हुआ 17 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रोहन के द्वारा स्कोर रुका हुआ 17 रन। पारी का ये तीसरा ओवर जारी है। और इस बार गेंद हवा में और एक बार फिर से आसान से कैच ड्रॉप।
काफी अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी। इस बार जो कि डाउन ग्राउंड खेला है, लंबा चेस रहेगा, काफी अच्छी फील्डिंग। धर्मी है फील्डर, सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, निश्चित रूप से तीन रन बचाए। स्कोर बताओ 19-19। हल्के से खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात, लेकिन एक रन से नहीं रोक सकेंगे। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 20 रन। अब 30 गेंदों के ऊपर 88 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट जो है प्रति ओवर 17.5, मतलब ओवर से 3 सिक्स चाहिए। पहली गेंद हवा में, खुद कप्तान राज जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये तीसरा झटका, डैनियल आउट। नए बल्लेबाज के रूप में विनीत का आगमन हुआ है। अब पूरा दारोमदार यहां पर प्रीत के कंधों के ऊपर, पारी का ये चौथा ओवर जारी है। स्कोर है 21 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। महाराणी शाह से बट के वाइड करार। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल लिया है खुद कप्तान राज, काफी चौकन्ने, सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर है 23 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर जारी है। अब यहां से प्रीत को जोखिम उठाना होगा क्योंकि ये मेगा फाइनल है। प्रीत जो कि आज कुछ लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर जारी है, जीत के लिए 108 रनों का लक्ष्य मिला है। और इस बार गेंद हवा में, धर्मीन ने जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, सिर्फ एक रन। अब सिंगल या डबल से काम नहीं चलेगा। बार जो कि कुछ नया करने की कोशिश, ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
नटराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से, मार चुके हैं हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिर्फ एक रन। रन काफी नाजुक परिस्थितियों से गुजर रही है यहां पर रॉयल चैलेंज बॉस्टन। फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में, यस यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अंपायर का इशारा छह रन, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास। प्रयास लेकिन गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा चार रन। जो कि हेलीकॉप्टर का प्रयास किया था, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात, सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और इस बार गेंद हवा में, खुद राज जिन्होंने कोई गलती नहीं की, विनिट की पारी समाप्ति। स्माइल फॉर यू चैनल के ऊपर देख सकते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें।
कुमार काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी वापसी करने की कोशिश यश के द्वारा। टॉप शॉट, टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, प्रीट के बल्ले से निकलने वाला एक और मैक्सिमम। और इस बार जो कि केन विलियमसन वाला, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथों से स्ट्राइक के अपने पास रखने की कोशिश कर रही है यहां पर प्रीत। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 54। अब आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 54। नौ सिक्सर लगाने होंगे। कप्तान राज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी तैनात, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। इस बार जो कि सीधे बल्ले से खेल लिया है गेंद, जो कि काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर से इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, डर से नहीं है कैच, प्रीत की पारी समाप्ति।
नए बल्लेबाज के रूप में राज का आगमन हुआ है। पहली गेंद और क्लीन बोल। के लिए ये गेंद गोल्डन गेंद। और इस बार जो कि अपने हैट्रिक से चुके आते ही यहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। काफी अच्छी फील्डिंग। से खेल लिया है पहला रन जो कि काफी तेजी से भागते हुए। ओवर की समाप्ति हुई। पारी का आखिरी ओवर, गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस। इस बार बल्ले का बाहर नहीं किनारा, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग। मानव चुके काफी देर के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हमारे मानव के बल्ले से निकलने वाला ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक।
अच्छा क्रैम्प उनको आ चुका है। बाहर घूम कर खेलने की कोशिश, वहां पर सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह चुकी है। वाइट करार, इस बार घूम कर खेल लिया है। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 64। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाए, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, चार रन 68। आखिरी गेंद, एक बार फिर से वाइड करार, वाइड करार। इस बार गेंद हवा में, आखिरी गेंद के ऊपर विकेट का पतन, और इसी तरह यह मुकाबला जो कि यहां पर मेगा फाइनल जीत लिया है अटलांटा परमवीर। कॉन्ग्रेचुलेशन अटलांटा परमवीर।
બંને ટીમના ખેલાડીઓને નિવેદન છે કે લાઇનઅપ કરી દો. મંચ જે છે સામે લાઇનઅપ કરી દેજો. અટલાન્ટા પરમવીર અને રોયલ ચેલેન્જ બોસ્ટન. અટલાન્ટા પરમવીર લાઇનઅપ કરી દેજો. હવે આપણે ઇનામ વિતરણ તરફ જઈએ છે. સૌથી પહેલા બેસ્ટ ફિલ્ડર નિમેશભાઈ ગોરગામ, જરાક આગળ આવજો. નિમેશભાઈ ગોરગામ બેસ્ટ ફિલ્ડર તરીકે આરસીબી ના સાહિલ પટેલ મંચ ઉપર આવી જજો. ત્યારબાદ જીતુભાઈ આમદ્રા બેસ્ટ બોલર તરીકે, જેમણે 10 વિકેટ લીધી છે, અટલાન્ટા પરમવીરના કેપ્ટન રાજ પટેલ. આખી ટુર્નામેન્ટમાં બેસ્ટ બોલર. ત્યારબાદ બેસ્ટ બેટ્સમેન તરીકે તુષિતભાઈ આગળ આવજો. તુષિતભાઈ બેસ્ટ બેટ્સમેનની ટ્રોફી આપશે. લીલાપોર લાયન્સના દેવ પટેલ 119 રન આખી ટુર્નામેન્ટમાં. ત્યારબાદ ફાઇનલ મેચના મેન ઓફ ધ મેચ એટલે ફાઇનલ મેચના હીરો નલિનભાઈ લીલાપોર આગળ આવજો. નલિનભાઈ એમને ટ્રોફી આપશે. અને મેન ઓફ ધ મેચના ઇનામ પર 1000 રૂપિયા. પ્રિન્સ પટેલ અટલાન્ટા પરમવીર, પ્રિન્સ પટેલ 50 રનમાં આવ્યા, એના પણ 1000 અને મેન ઓફ ધ મેચના પણ ટોટલ 2000 રૂપિયા. પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ મોહનભાઈ લીલાપોર એમને ટ્રોફી આપશે. મેન ઓફ ધ સિરીઝ કોણ હશે? કોઈ? યસ, પ્રીત પટેલ ઇઝ મેન ઓફ ધ સિરીઝ. કોંગ્રેચ્યુલેશન પ્રીત. ત્યારબાદ પાટીદાર પ્રીમિયર લીગ સીઝન 2 અંડર 21 જેમના રનર્સ અપ માટે નવનીતભાઈ કલવાળા. રોયલ ચેલેન્જ બોસ્ટન 11000 રૂપિયા અને ચમચમાતી હોય ટ્રોફી.
त्यारबाद जयेश भाई कलवाड़ा पाटीदार प्रीमियर लीग अंडर 21 सीजन 2 जिसके चैंपियन है अटलांटा परमवीर 21,000 कैश और चमचमाती हुई ट्रॉफी। कप्तान आ जाइए ओनर के साथ। यस जयेश भाई कलवाड़ा एमने ट्रॉफी अने कवर एनाइट कर से चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट अटलांटा परमवीर। दरेक जनों साथ अने सहकार आपवा बदल अपने खूब खूब आभार मानिए। थैंक यू वेरी मच।